वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल में आज मोबाइल का जो नेटवर्क सेक्शन है उसको हम समझने जा रहे हैं। आइए चलते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले नेटवर्क सेक्शन को आप समझिए, 4G तक समझा रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले एक एंटीना लगा होगा जो इस तरह से होगा, ठीक है। तो इसको आपको देखना है सबसे पहले कि एंटीना का जो प्रॉपर कनेक्शन है वो सारी चीज़ें हैं कि नहीं, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं एंटीना। इसके बाद जो अगली चीज़ होती है, यहाँ पर आपकी 2G का PFO लगा एक, तो ये 2G PFO हो गया। इसके बाद आपका क्या होगी, एक WTR IC लगी होगी, तो ये WTR IC होगी। अगर मैं सैमसंग की बात करूँ तो सैमसंग में 2965 WTR लगी होती है। तो उसको हमें क्या करना है, समझना है, चीज़ों को देखना है। तो आइए चलते हैं वीडियो में। इसको ऐसे रखो भैया, ऐसे है ना, अब मत हिलाना। WTR का फुल फॉर्म होता है बेट टू रिस्टोर। अब इसमें देखिए WTR के बाद क्या लगा होगा, यहाँ पर एक CPU, माइक्रो प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर 4G का PFO लगा होगा। क्या लगा होगा, तो सबसे पहले जो आपको क्या चेक करना होता है, अब यहाँ से आपका पावर IC है। सबसे ज़्यादा नेटवर्क सेक्शन में ये आपका WTR IC क्या करती है, दिक्कत करती है, ठीक। तो अब मैं इसमें आपको बता रहा हूँ कि जो पावर IC है, पावर IC से एक जो LDO है वो निकल के कहाँ पे जाता है, CPU पे। इसको कहते हैं VRAG 0.8 वोल्ट। पहला वोल्टेज आपको चेक करना है कि CPU पे ये जो आपका नेटवर्क के लिए VRAG 0.8 वोल्ट पहुँच रहा है या नहीं। अगर नहीं पहुँच रहा है, नेटवर्क की कहानी यहीं पर क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद अगला VRAG आपको चेक करना है किसके लिए, ये जाता है आपका WTR के लिए। तो WTR के लिए अगला VRAG इसको आपको चेक करना है। ये दो वोल्टेज होंगे, एक होगा VRAG 1.8 वोल्ट और एक होगा VRAG 1.0 वोल्ट। ये दो वोल्ट आपको WTR पे चेक करना है। ये दो पहुंच गए। इसके अलावा आपका जो VRAG जाएगा, ये जाएगा कहाँ पर, 4G PFO के लिए। तो यहाँ पर भी क्या जाएगा, VRAG 1.8 वोल्ट, क्या जाएगा, VRAG 1.8 वोल्ट। और अगला जाएगा यहाँ पर क्या जाएगा, इसका नाम होगा VRAG 1.1 वोल्ट। कितना जाएगा, VRAG 1.1 वोल्ट। तो सबसे पहले आपको ये लाइनें चेक करनी है कि जो सप्लाई लाइन है वो प्रॉपर पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपका 2G के लिए भी जाएगा, तो 2G के लिए भी मैं यहाँ पर आपको ये वोल्टेज इस तरह से यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये आपका ये जा सकता है आपका 3.7। अब यहाँ पर क्या आता है, इस पर जो आएगा वो कितना आएगा, या तो VPH वोल्ट आएगा या VBAT वोल्ट आएगा, ठीक है। तो ये वोल्ट कितने होंगे, 3.7 से लेके 4.2 वोल्ट तक होते हैं। और यही वोल्ट क्या होते हैं, डायरेक्ट कहाँ जाते हैं, इस पे भी जा सकते हैं, ठीक है। ये स्कीमेटिक में देखना पड़ेगा आपको कि क्या स्थिति है और कौन से वोल्टेजेस पहुँच रहे। तो सबसे पहले आपको वोल्टेज की लाइन क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले वोल्टेज लाइन देखना आना चाहिए। इसके बाद 2G और एंटीना के बीच क्या लगा होगा, अब आपका चलता है TRX, मतलब रिसीविंग और सेंडिंग, ठीक है। तो ये आपकी एक लाइन यहाँ से कनेक्ट होगी। इसके बाद जो 2G PFO है वो आपका 4G से ऐसे कनेक्ट होगा इस तरह से। ये क्या होगा, एक होगा RX और एक होगा TX। क्या होगा, RX TX। इन सब के बीच में क्या लगे होते हैं, 100 फिल्टर्स लगे होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो WTR है इसके साथ क्या होगा, ये आपका CPU की कनेक्टिविटी होगी इस तरह से। यहाँ पर जैसे BBRX नाम क्या होते जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, और फिर क्या लिखा है, BBTX, क्या लिखा है, BBTX। तो ये आपको देखना आना चाहिए। इसके अलावा यहाँ से क्या होता है, डाटा और क्लॉक जाता है CPU से, जिसको हम कहते हैं RF डाटा RF क्लॉक। क्या कहते हैं, RF डाटा और RF क्लॉक। ये सब भी आपको क्या करना आना चाहिए, चेक करना आना चाहिए। इसके बाद CPU से क्या जाता है, 4G PFO के लिए जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लगे होंगे, 0 ओम के क्या होते हैं, रजिस्टर लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं, 0 ओम के रजिस्टर लगे होते हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा, RF डाटा और क्या जाएगा, RF क्लॉक। इनको अगर आप DSO से नहीं चेक कर पा रहे हैं तो यहाँ पर आप 1.8 वोल्टेज ज़रूर चेक कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद जो अगली कहानी होती है, ये आपने देख लिया। इसके बाद यहाँ पर एक लगा होता है क्रिस्टल 25 MHz का, इसकी फ्रिक्वेंसी आपको DSO से चेक कर लें आना चाहिए। और ये कहाँ पर लगा होगा, ये बेसिकली कहाँ से कनेक्टेड होगा, WTR से क्या होगा, इस तरह से कनेक्टेड होगा, ठीक। इसके अलावा WTR से आपका 2G PFO भी TX और RX से कनेक्ट होगा,
तो ये भी आप देखिए इस तरह से आपको ये कनेक्शन भी यहाँ पर क्या होंगे मिलने चाहिए। तो यहाँ पर आपको जो इम्पीडेंस है, जो वोल्टेज है और आप फ्रीक्वेंसी है, वो सब भी आपको क्रिस्टल से क्या करना आना चाहिए। ये TRX और ये भी TRX इस तरह से क्या होता है, ऐसे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले इसमें चेक करना आना चाहिए कि ये कनेक्टेड है या नहीं है। अगर ये कनेक्टेड नहीं है और जैसे आपका यहाँ पर आपका RX, TX, तो ये आपको इस तरह से चीज़ें क्लियर होना चाहिए कि कनेक्टेड है कि नहीं। अब इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं क्या, जैसे आपके नेटवर्क सेक्शन में WTRIC खराब हुई तो प्रॉब्लम होगा नेटवर्क का। दूसरी प्रॉब्लम आती है कि आपके एंटीना प्रॉपर है, जैसे आपका ये प्रॉपर दिखा रहा है, ठीक है। अब आप जैसी कॉल क्या कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, ठीक है, तो ये क्या हो जा रहा है, पूरा एंटीना चला जा रहा है। तो आपको रिसीविंग वाला PFO क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। जब आप कॉल लगा रहे हो और लगाते समय एकदम से गिर रहा है, तो जाने वाली लाइन को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो ये नेटवर्क सेक्शन है, इसको आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, अच्छे से चीज़ें चेक करना आना चाहिए। इसमें आपको वोल्टेज चेक करना आना चाहिए, इसमें आपको क्लॉक चेक करना आना चाहिए, डेटा चेक करना आना चाहिए, क्रिस्टल चेक करना आना चाहिए। अगर नेटवर्क सेक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये सब चीज़ें आपको क्या होना चाहिए, अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए कि प्रॉपरली क्या है, वर्क कर रही हैं या नहीं, अदरवाइज़ क्या होगा, दिक्कत होगी। इसी तरह से CPU से भी क्या होगा, यहाँ पर 2G PFO पे क्या होगा, ये कनेक्टेड होगा RF क्लॉक। तो ये चीज़ भी आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि कैसे काम कर रहा है और कैसे चीज़ें क्या हो रही हैं, जा रही हैं। तो ये सब चीज़ भी आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि जैसे यहाँ भी RF क्लॉक है, यहाँ RF डेटा है, तो ये चीज़ भी आपको क्या होना चाहिए, चेक करना आना चाहिए। तो नेटवर्क सेक्शन की प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ, जैसे 0 ओम के रजिस्टर ख़राब होंगे तो नेटवर्क में प्रॉब्लम आ जाएगी। अब जैसे आपका ये जो फिल्टर है, ये क्या काम करते हैं, बेसिकली जैसे जियो का फ़ोन है तो उसमें जियो की ही सिम चलती है, तो जियो की फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करते हैं, बाकी एयरटेल BSNL लगाओगे तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि हर फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या है, अलग अलग है। तो ये सब फिल्टर्स का ये सब काम होता है। तो इनमें आपके इस सेक्शन में आपकी पावर IC से जो वोल्टेज निकल रहे हैं, CPU, WTR, इसके अलावा 2G PFO, 4G PFO और एंटीना, ये सारे सेक्शंस आपको 1x1 क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि कैसे चेक करना है। अकॉर्डिंग टू स्कीमेटिक ये थोड़ा बहुत क्या हो सकता है, वोल्टेज और इस तरह, मैं एक यूनिवर्सल कंसेप्ट बता रहा हूँ कि इस तरह से ये काम करता है। तो आपका नेटवर्क सेक्शन आज मैंने क्लियर कराया, इससे पहले मैंने कौन सा सेक्शन क्लियर कराया था आपको, इससे पहले हमने कल के इसके इससे पहले कल के सेक्शन में क्या देखा था हमने, ये था आपका लाइट सेक्शन। तो लाइट सेक्शन में 6 पिन की ड्राइवर IC कैसे काम करती है, ये भी मैंने आपको पूरा बताया था कि किस तरह से क्या होता है। इसमें क्या होता है, 1 नंबर पे इनपुट होता है, 6 नंबर से इनपुट है, 1 नंबर से आउटपुट है ये आपका, फिर 3 नंबर क्या है, फीडबैक है, कौन किसका, कैथोड का और एनोड का फीडबैक कहाँ से आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है ये आपका, 4 नंबर से CPU से इनेबल आ रहा है। तो ये पूरा सेक्शन भी मैंने अपना वीडियो में डाला हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। अगर और ये डायोड लगा होता है तो कॉइल, डायोड और ये IC, अगर आप फोल्डर पे फोल्डर चेंज कर रहे हैं और फिर भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, पूरा नेटवर्क लाइट सेक्शन को चेक करना है। नेटवर्क सेक्शन में प्रॉब्लम है तो नेटवर्क सेक्शन में ये सारी चीज़ें आपको 1x1 क्या करनी है, चेक करनी है। एक एक सेक्शन, जैसे नेटवर्क सेक्शन हो गया, लाइट सेक्शन हो गया, फिर आपका अगला सेक्शन कौन सा है। अब जैसे आपके साउंड से रिलेटेड दिक्कत है तो साउंड सेक्शन की क्या कंसेप्ट है, साउंड IC किस IC के अंदर इनबिल्ट है, वहाँ से क्या क्या चीज़ें निकल रही हैं। इसके अलावा पावर सेक्शन, पावर IC, 2 पावर IC है, 1 पावर IC है, 3 पावर IC, वो कंसेप्ट, फिर आपका CPU का कंसेप्ट, कॉलकॉम का, फिर आपका MediaTek का कंसेप्ट, फिर आपके पावर ICs के बूट सीक्वेंस, फिर आपका जो अगली चीज़ होती है क्या होती है, EMMC मतलब फ्लैश IC का पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये एक्चुअल में स्कीमेटिक पढ़ना कुछ भी नहीं है, स्कीमेटिक बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। मेन होता है IC का जो डेटा शीट होती है, जब तक आप वो पढ़ना नहीं सीखेंगे तब तक आप एक्चुअल रिपेयरिंग नहीं कर पाएंगे। क्या होता है, अगर डेटा शीट है तो डेटा शीट के अंदर क्या होते हैं, कंपैरेटर्स लगे होते हैं, डेटा शीट के अंदर ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स लगे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इनबिल्ट करके दी जाती है, इसके अंदर MOSFET लगे होते हैं, हायर गेट लोअर गेट का कंसेप्ट MOSFETों में, 2 MOSFET, 4 MOSFET के कॉम्बिनेशन। तो अगर डेटा शीट मिल जाती है तो आपको ये समझ में आ जाता है कि IC में 1x1 कौन सा वोल्टेज पहले बनेगा, फिर क्या इनेबल किसके लिए दे रही है, फिर आप किसके लिए ये ग्राउंड कर रही है, क्या कर रही है, तो वो डेटा शीट आपको बहुत अच्छे तरीके से बताती है। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपका एक्चुअल कार्ड लेवल एक नॉर्मल कोर्स होता है
जो हम लोग 8800 में पूरा कंप्लीट कराते हैं। एडवांस लेवल, चिप लेवल, वेरी एडवांस लेवल, सुपर एडवांस लेवल, सब फिर क्या होता है, अनंत है, जितना आप आगे बढ़ना चाहें बढ़ सकते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे, आज मैंने नेटवर्क सेक्शन आपको क्लियर किया। ऐसे कोर्सेज के लिए आप मुझे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, टू द पॉइंट हम सारी चीज़ें कराते हैं। थैंक्स।